गाइस इस वीडियो के मेरे जाके व्यूज चेक करिए, 3.2 मिलियन व्यूज। अच्छा इस रील्स पर जब 10,000 व्यूज कंप्लीट हुए थे ना, तो मैंने यूट्यूब पर एक प्रॉपर एक वीडियो अपलोड करी थी आप लोगों को बता के कि क्या इस वीडियो में एल्गोरिथम यूज हुए हैं और मैंने हैशटैग वगैरह क्या प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड करी है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया था, मतलब पहले वाली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि भाई ये वीडियो अभी मेरी और रैंक पर जाएगी, मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। बट भाई इतना नहीं सोचा था कि भाई इतने व्यूज पर जाएगी। भाई लाइफ में कभी सोचा नहीं था 3.2 मिलियन व्यूज। भाई मतलब लोगों का सपना होता है एक एक मिलियन का, और मेरे 3.2 मिलियन। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आप बिल्कुल एल्गोरिथम के साथ अपनी रील्स अपलोड करते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस पर कितने ज्यादा व्यूज आ सकते हैं। अब मैं बेसिकली पूरे टाइम इंस्टाग्राम रील्स पर देखते रहता हूं, एल्गोरिथम वगैरह चेक करता रहता हूं, तो एल्गोरिथम सारे मेरे दिमाग में रहे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता है भाई तुम्हारा भाई बड़ा खिलाड़ी वाला इंसान है, ठीक है। अब देखो इस पर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ऐसा मैंने एल्गोरिथम क्या यूज करे थे, उसके बाद आपको इस व्यूज के यहां पर मैं और चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो था, ये जो मेरा कॉन्टेंट था, ये कॉन्टेंट था मेरा कॉमेडी वाला, मतलब बेसिकली मैं शादी में गया था तो वहां पर भाई वाला होता है ना, वो मतलब क्या उसे क्या मतलब पेपर पैकेट मतलब जो भी बम वगैरह कहते हैं, तो भाई यहां पर मैं फोड़ रहा था। तो मेरे दिमाग में एकदम कंटेंट आया कि भाई एक काम करता हूं, मैं फोड़ता नहीं उसको, ठीक है ना, या फिर शायद ऐसा हुआ था कि फूटा ही नहीं था, तो ठीक है ना, मैं वीडियो बना ली थी मैंने। उसके बाद भाई यहां पर मैं उसे फोड़ जा रहा तो भाई मेरा पोपट हो गया, ठीक है, और मैंने म्यूजिक लगा रखा था ओ नो, उस टाइम पे ये सॉन्ग भी ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मेरे दिमाग में आया, तो मेरे दिमाग भाई बहुत ज्यादा चलता है, मेरे दिमाग में आया कि इसमें बेइज्जती हो रही है और भाई लोग हंस रहे हैं, और मैं याला जो ट्रेंडिंग वाला सॉन्ग है ये इस पे शूट भी कर रहा है, ये अपलोड करता हूं प्रॉपर हैशटैग के साथ, कंटेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, और वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो वीडियो क्वालिटी भी मैंने आईफोन से शूट करी थी, तो तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करी, कंटेंट अच्छा था, वीडियो क्वालिटी अच्छी थी, उसके बाद मैंने हैशटैग मुझे डाल लेते, तो हैशटैग मैंने सोचा हमेशा आप लोगों को बता रखा है वीडियो से रिलेटेड ही आप हैशटैग डालिए। मैंने इस पे हैशटैग जो यूज करे थे ना, आप लोग देख सकते हो, मैंने जो हैशटैग यूज करे थे, कंटेंट जो था वो कॉमेडी वाला था, तो मैंने सारे कॉमेडी वाले हैशटैग यूज करे थे, ठीक है ना। तो मुझे पता था कि भाई ये वीडियो का एक प्रॉपर तरीके से मैंने इसको अपलोड कर दी, ठीक है, बट ये नहीं सोचा था इस पे इतने ज्यादा व्यूज आएंगे, और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई यहां पर मैं अपने YouTube चैनल की कसम खाई कह रहा हूं, मैंने कोई फेक एक्टिविटी अपनी इस रील्स पर नहीं करी है, YouTube चैनल की कसम, कोई फेक लाइक्स नहीं बढ़ाए हैं, कोई फेक व्यूज नहीं बढ़ाए हैं, या फिर फेक मतलब कुछ भी चीज नहीं करी है, कहीं शेयर भी नहीं करी है बेसिकली, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर जो व्यूज आए हैं ना, किसी ने व्यूज भेज दिए हैं, मतलब इस पर व्यूज बढ़ा दिए हैं किसी ने, मतलब अनजाने बढ़ाए होंगे या जानबूझ के बढ़ाए होंगे, किसी ने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जब मैंने इसके लाइक्स चेक करे तो इस पे लाइक्स हो रहा है 5 या 6 हजार, ठीक है ना। अब 3.2 मिलियन व्यूज है, उसके बाद भाई लाइक्स 5-6 हजार है, तो ये जो रेशियो है ना ये मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पर तो मेरा दिमाग चल गया कि हाँ भाई किसी ने फेक व्यूज शायद बढ़ाए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कंटेंट लोगों ने देखा पसंद करा बट लाइक नहीं करा, ये भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। बट ज्यादा चांसेस में ये है किसी ने फेक एक्टिविटी इस रील्स पर करी है मेरे व्यूज दबाने के कारण, बट व्यूज बढ़ गए, ठीक है। अब यहां पर मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूं, मेरी जो पहले की वीडियो है, ठीक है ना, उस पर आप लोग व्यूज देख सकते हो, हम एवरेज 9 लाख ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी बिल्कुल रियल वाली वीडियो है, इस पर कोई फेक एक्टिविटी नहीं है, और इस पर आप लाइक्स भी देख सकते हो, लाइक्स 60,000 या 70,000 हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो भाई एक मिलियन व्यूज भी नहीं है, और लाइक्स आप देख सकते हो भाई 60-70 हजार लाइक्स, ठीक है ना, और इस पे 3.2 मिलियन व्यूज है और लाइक्स 5-6 हजार। तो यही से मुझे रेशियो पता चल गया कि किसी ने फेक एक्टिविटी करी है, बट ऐसा भी हो सकता है किसी ने लाइक नहीं करी है। वाला जो कंटेंट था मेरा, वो कंटेंट बहुत ज्यादा सही था, लोगों ने लाइक करा, पसंद करा, पहले की वीडियो थी तो पहले क्या होता था, लोग लाइक कर देते थे, बट आजकल लोग लाइक कम करते हैं, क्योंकि उनकी लाइक्स वाली जो लाइक्स वाला जो फॉर्मेट होता है ना, वो भर जाता है। इसलिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ऐसे एल्गोरिथम आप भी अपनी रील्स पर यूज कर सकते हो। तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, लास्ट में गाइड करता हूं। तो सबसे पहली चीज, वीडियो क्वालिटी अपनी बहुत ज्यादा इंप्रूव करो। आप याली वीडियो देख रहे हो, पहले की अगर मेरे आप यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार थी, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और इस टाइप की आप क्लैरिटी देख सकते हो, मैंने आईफोन से आप शूट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, पब्लिक को पसंद आना चाहिए। तीसरी चीज, प्रॉपर हैशटैग मैंने आपको हमेशा बता रखे हैं, वीडियो से रिलेटेड आप हैशटैग लगाइए। जैसे कि अगर आपका कंटेंट कॉमेडी का है तो सारे हैशटैग कॉमेडी के होने चाहिए, आपका कंटेंट जिम का है तो सारे हैशटैग जिम के होने चाहिए। इस टाइप का आप यहां पर हैशटैग लगाइए, उससे क्या होता है एल्गोरिथम को हेल्प लगती है, और एल्गोरिथम अच्छे लोगों के पास भेजता है, मतलब अच्छे से मतलब है, अगर आप कॉमेडी कंटेंट डालो, हैशटैग सारे कॉमेडी वाले लगा रहो, तो एल्गोरिथम आपकी वीडियो जो है वो सारे उन लोगों के पास भेजेगा जिनको कॉमेडी चीजें पसंद है, और अगर आपके कंटेंट में दम हुआ तो भाई आपकी वीडियो जाएगी ऊपर। तो इस तरीके से वीडियो वायरल होती है, आप इस तरीके से डाल सकते हो। और एक चीज और भाई, यहां पर मैं आपको हमेशा कहता हूं, वीडियो यहां खत्म हो गई है, एक चीज हमेशा आपको कहता हूं भाई, प्लीज उस वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। मैं अपनी जो नेक्स्ट संडे की
वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करूंगा। तो उसमें से भाई आपको करना क्या होगा, इस वाले चैनल को मेरे जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी डाल रखी है, उसके नीचे अपना यूजर नेम डाल देना और उस वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। दूसरे वाले चैनल को मेरे जाके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, आपका मैं पर्सनल अपनी वीडियो में इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करूंगा। यकीन नहीं आता मेरी याली कल की वीडियो देख लो, मैंने काफी लोगों के इंस्टाग्राम चेक करे हैं, ठीक है ना। तो बस यार आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते।